नमस्कार दोस्तों, मैं सितेश श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में इंग्लिश टीम को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 31 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मुकाबले में एक घटना हुई जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने एक शानदार कैच पकड़ा जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली एक रन पर खेल रहे थे। उस दौरान पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने हवा में शॉट मारा। गेंद को पकड़ने के लिए राउफ भागे, लेकिन राउफ के साथ साथ बाउंड्री पर खड़े सोहेब मकसूद भी कैच करने के लिए भाग पड़े। राउफ ने कैच पकड़ा लेकिन वो मकसूद से टकरा गए। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने गेंद हाथ से नहीं निकलने दी। फैंस को उनका ये कैच बेहद पसंद आ रहा है और इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इंग्लैंड की दूसरे दर्जे की टीम से वनडे सीरीज में करारी शिकस्त खेलने वाले पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच पहले विकेट के लिए 150 रन की धांसू साझेदारी की मदद से पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 31 रन से जीत दर्ज करके अच्छी वापसी की। कप्तान बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 85 रन जबकि रिजवान ने 41 गेंदों पर 63 रन बनाए। इससे पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 6 विकेट पर 232 रन का मजबूत स्कोर बनाया। इंग्लैंड ने पहले 7 ओवर में ही 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन ने 43 गेंदों पर 6 चौके और 9 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। लेकिन उनके 17वें ओवर में आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम 19.2 ओवर में 201 रन पर ही सिमट गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।